नाही नाही मॅगडीच्या समोर नाही का रे तो बोर्ड लागलेला आहे लोणावळा बिनावळा. अरे भाई साहब ये रहा हम लोग लटक गए लोणावळा की ट्रॅफिक में. इट्स 9 o'clock इन द इवनिंग अँड हमें निकलना है पुणे के लिए. एंड पुणे में क्यों जा रहा हूँ वो बताऊँगा. उससे पहले वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन. आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. दिस इज सागर योर बॉय एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ठानेगर सागर ब्लॉग. तो सीन्स कुछ ऐसे है कि 2 से 3 महीने में गायब था यूट्यूब से. क्या कर रहा था और क्या प्लानिंग चल रही थी बैकएंड में तो वो किसी अगले ब्लॉग में बता देंगे. अगले या उसके अगले ब्लॉग में ज़रूर बता देंगे कि क्या प्लानिंग चल रही थी. एक सरप्राइज़ प्लान किया है बड़ा वाला. सो वो भी रिवील करेंगे कुछ ही टाइम में. सो थोड़ा स्मूथली ये चल जाएगा कारवा. उसके बाद जो है अपनी गाड़ी जो है फिर से ट्रैक पे आ जाएगी. आप लोगों को भी पता है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं. एंड 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैंने कुछ प्लान किया था. सो वो वीडियो भी आ जाएगा. सो मैंने डिसाइड किया था कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे सो कहीं एक राइड की जाएगी छोटी वाली. टाइम से मेरा ये प्लान था कि उस प्लेस पे जाऊँ एंड मॉर्निंग में नहीं तो नाइट के सीन्स आपको दिखाऊँ. क्या करेंगे नितिन निकल चुका है ठाणे से. वो मुझे मिलने वाला है कलंबोली मैगडी में. बाइक अपनी रेडी हो चुकी है. क्या करेंगे फटाफट गेयर अप कर लेंगे. ये राइडिंग जैकेट एंड हेलमेट भी निकाल लिया है. सो क्या करेंगे फटाफट रेडी हो जाते हैं एंड आपको मिलता हूँ ऑन अ बाइक. आई जस्ट स्पोक विथ नितिन एंड वो अगले 5-10 मिनट्स में कलंबोली मैगडी वहाँ तक पहुँच जाएगा. एंड कलंबोली मैगडी हमारे घर से हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है. सो उसको मैंने कहा है कि वो अपनी लोकेशन जो है हमारी वहाँ पे रीच हो जाए तब तक मैं भी वहाँ पे पहुँच जाऊँगा. एंड ये जो राइड होने वाली है ये प्रॉपर प्लानिंग की राइड नहीं है. एक दो लोकेशन हम लोग ने प्लान किया है उस हिसाब से जाएंगे. उसमें से एक लोकेशन जो है वो मेरे बहुत दिल के करीब है एंड मैंने डिसाइड किया था कि वंस आई हिट 1000 सब्सक्राइबर सो वहाँ पे जाना तो बनता है. सो जो लोकेशन है वो तो आपके साथ शेयर करेंगे. साथ ही साथ फर्स्ट नाइट राइड बॉस मैं आप अगर मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते होगे तो आपको भी पता है कि आई अवॉइड लॉट्स ऑफ टाइम अ नाइट राइड बिकॉज आग लग जाती है ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है. सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये नाइट राइड की जाए. एक बार एक्सपीरियंस लिया जाए. अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो मैं भी इन फ्यूचर आपको कुछ नाइट राइड्स देखने मिलेगी इन आवर चैनल. साथ ही साथ जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हिट होने के बाद मैंने 1-2 मंथ गायब था उसकी बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है वो किसी अगले दिन बात करेंगे. एंड जो टाइम 2-3 महीने का मैंने जो लिया उस पीरियड में तो उसमें बहुत सारी थिंकिंग की गई है रिगार्डिंग दिस चैनल. बहुत अच्छे से वर्क किया जाएगा इस चैनल के ऊपर क्योंकि अब तक कैसा हो रहा था कि मैं मेरे फ्री टाइम के हिसाब से या जब भी मैं राइड कर रहा था उस हिसाब से इस चैनल पे वीडियोस आते थे. एंड होपफुली एंड लकीली पीपल आर लाइक दैट वीडियोस एंड उसके वजह से ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं एंड राइट नाउ इट्स 1.4 सब्सक्राइबर वी हिट. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ईच एंड एवरी वन. एंड ये जो जर्नी है हमारी वो आगे बढ़ती ही रहेगी और बहुत ही ज़्यादा मैंने प्लानिंग की है एंड अपकमिंग राइड्स की भी प्लानिंग है तो वो आपको देखने मिलेगी. सो जो राइड होती है उसकी खास बात ये होती है कि आप लोकेशन सिलेक्ट करते हो प्लेसेस सिलेक्ट करते हो कहाँ पे जाना है पूरा आइटनरी बन जाती है एंड लास्ट मोमेंट पे आपको धोखा दिया जाता है आपके फ्रेंड्स के माध्यम से कि हम लोग आएंगे एंड आपको भी पता है कि क्या होता है. सो इस टाइम हम लोग ने नितिन और मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया. मैंने कहा उसे कि हम दोनों ही जाएंगे एंड देखेंगे अगर इनके अगले राइड में ट्राई करेंगे कि कुछ और दोस्त है हमारे जो ठाणे से बिलोंग करते हैं एंड 2-3 राइडर्स मुझे मिले हैं जो नवी मुंबई से बिलोंग करते हैं दे वांट टू जॉइन अस. सो भाई लोग आपके साथ भी शेयर करेंगे. व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट रहिएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं. एंड आज सैटरडे है तो होपफुली हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगी इन लोनावला. बाकी का जो सीन होगा वो तो आपको दिखाई देगा.
सो अभी क्या करते हैं, यहाँ से मैं यू टर्न मारूंगा एंड जो अपना कलंबुली मैगडी है वहाँ पे रुकूंगा एंड वेट करूंगा नितिन का, एंड उसके बाद फिर अपनी जो आगे की जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। तो नितिन है वो आगे खड़ा है, मैं उसका यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। सो लेट मी फाइंड हिम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ASG अगर होता उसके पास तो बहुत मज़ा आता, मगर हम लोग ने उसका भी जुगाड़ कर लिया है। सो क्या करेंगे, अभी नाइट में तो आपको भी पता है कि कोई कॉल नहीं करता है, सो मैं उसको ऑडियो कॉल करूँगा, अदरवाइज व्हाट्सअप कॉल करूँगा एंड हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। एंड ये बाइक आप देख सकते हो, रॉयल इनफील्ड 350 आई गेस बस में घुसा रहे, बहुत लंबी प्लानिंग चल रही है बॉस। एंड ये टाइम में आपको यहाँ पे ट्रैफिक दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि बहुत सारी बसेस जो होती है लोना कोल्हापुर सातारा वो साइड में जाने के लिए रुकी रहती है यहाँ पे। एंड ये रहा हमारा नितिन। फाइनली वी आर एट लोनावला, मेरे राइट हैंड साइड में रामाकृष्ण होटल है एंड अगर हम लोग यहाँ से राइट लेंगे तो टाइगर पॉइंट एंड बुशी डैम के लिए जाने के लिए रोड है एंड हमें जाना है स्ट्रेट टू स्ट्रेट। एंड क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद एक जो टोल प्लाजा लगेगा अपना, वो टोल प्लाजा के यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा चाय भी पियेंगे, अदरवाइज रेडबुल ड्रिंक मारेंगे, जो अवेलेबल होगा वो ले लेंगे एंड देन अपनी जो जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। फाइनली वी आर इन पुणे, एंड पुणे में क्यों आए हैं वो मैं बता देता हूँ। सो पुणे में हम आए हैं दगड़ूशेठ गणपति, जो है बहुत ही फेमस गणपति है इन पुणे, सो उनका दर्शन लेने के लिए। हम लोग मॉर्निंग टाइम में भी आ सकते थे, मगर कैसा सीन है कि वहाँ पे मुझे पता नहीं कि पार्किंग एरिया है या नहीं, बिकॉज जो गणपति का जो टेंपल है वो रोड पे ही है, रोड से कनेक्टेड, सो दैट्स व्हाई वहाँ पे आप अगर मॉर्निंग में आते हो तो आपको पिक्चर क्लिक करने मिलेंगे कि नहीं विथ योर बाइक, सो वो थोड़ा सा मुझे डाउट था। एंड हम लोग का बहुत दिन से प्लान चल रहा था कि नाइट राइड मारेंगे, सो हमने सोचा कि क्यों ना दगड़ूशेठ गणपति को विजिट किया जाए इन नाइट, बिकॉज़ वो एरिया थोड़ा नाइट के टाइम थोड़ा खाली रहता है एंड आप अच्छे खासे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। तो हमारे भी पिक्चर आप देख सकते हो अने इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम प्रमोशन भी ज़रूरी है, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा एंड राइड के जो भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम पे दिख जाते हैं। एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इन अपकमिंग राइड्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स है या कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है सो उनको भी इस जर्नी में हमारे साथ शामिल किया जाए। एंड मेरा एक ड्रीम था ये कि दगड़ूशेठ गणपति को विजिट करेंगे एंड नाइट में वो भी, तो फाइनली वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड बाकी का जो है सीन, जो और भी कुछ बातें हैं आपसे शेयर करने वाली, सो वो डायरेक्टली लोकेशन पे शेयर करेंगे। सो फाइनली वी आर नियर बाय दगड़ूशेठ हलवाई गणपति टेम्पल एंड एज पर माई नॉलेज यहाँ पे राइट हैंड साइड में टेम्पल है एंड जो ऊपर मुझे दिख रहा है वो घूमट जो होता है टेम्पल का वो है आई गेस, एंड इट्स हार्डली 240 meters, सो राइट हैंड साइड में देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कहाँ पे है। मुझे रफली याद है कि मैं एक बार पुणे में विजिट किया था एंड स्टेशन जो है पूना स्टेशन वहाँ से बहुत ही नज़दीक है ये, सो अगर आप कभी पुणे आते हो सो यू कैन विजिट ओवर हियर एज वेल। एंड ये रहा टेम्पल, सो पहले हेलमेट निकालते हैं एंड देन बाकी का प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। एंड किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि ये जो मेमोरी कार्ड था कैमरा में वो करप्ट हो गया, एंड बहुत बहुत ज़्यादा दुख उस टाइम हुआ जब इतना अच्छा वीडियो बनाया गया था, कुछ सब्सक्राइबर भी मिले थे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, तो सब मेमोरी पूरी पानी में चली गई, बहुत मेहनत ले लिया कार्ड के पीछे,
आपने अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया होगा तो आपको पता चल जाता कि कितनी मेहनत लगी थी। एंड बहुत दर्द होता है कि ऐसा कुछ हो जाता है कि एक जगह पे आप जाओ, वहाँ के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आप ले लो, वहाँ पे जाने के बाद कुछ सब्सक्राइबर हमें मिले तो उसके सीन्स कुछ ये रहे। एंड मुझे कभी भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मगर ठीक है, हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं और ऐसे ही लॉसेस से आपको कुछ सीखने मिल जाता है। सो मैंने वो सीख ले ली है। 2 साल से मैंने मेमोरी कार्ड चेंज नहीं किया था इस कैमरा का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कार्ड मैंने निकाल दिया, फेंक दिया एंड न्यू कार्ड, ब्रांड न्यू कार्ड है वो कैमरा में डाल दिया है। अभी तो मैंने ठान लिया है कि नेक्स्ट 6 या 1 साल में अगेन एंड अगेन आई एम गोइंग टू चेंज दिस कैमरा मेमोरी कार्ड, क्योंकि ऐसा ना हो पाए कि अच्छे अच्छे जो मेमोरीज होती है वो शूट हो जाती है एंड जाने के बाद ऐसा सब हो जाएगा तो बहुत दर्द होता है। सो सॉरी फॉर दिस वीडियो गाइस, मगर जो था वो ऐसा सीन था। सो क्या करेंगे, आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना हो। सो बस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अगर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब हो जाना। एंड विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, सायनारा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा एंड ऐसे ही प्यार एंड मोहब्बत बरसाए रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।